तो मैं पहले गई थी, लेकिन उठने का दिल नहीं चाह रहा था। सर्दियों में वैसे भी उठने का दिल नहीं चाहता, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए नाश्ता बना लूँ। तो ये मैं चंक्स से ली थी, और ये रखी है पीटा ब्रेड, थोड़े सा मैंने लिया है आइसबर्ग, और ये मेरी चाय हो रही है। तो हम नाश्ता करेंगे। पहले ये हो गया मेरा नाश्ता तैयार, अब चलते हैं नाश्ता करते हैं। पहले तो सबसे पहले ये अलमारी खोल रही हूँ मैं। हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे शाहजहान को लेके, तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह निकाल लूँ। ये मैंने सूट निकाल लिया है, ये वाला पहन लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, और शाहजहान और शावीर के कपड़े जो है वो सही करके रख रही थी। और मैंने सोचा कि शाम में हम लोग ग्राउंड पर जाते ही हैं, तो नहा वहा लूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। सर्दियाँ वगैरह हैं तो वैसलीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने वैसलीन वगैरह लगा ली। और स्किन केयर के लिए ज़्यादातर मैं कुछ यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ ये लगाती हूँ, वो भी बहुत कम। तहा की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, तहा आजकल डाइटिंग पे है। दोनों ने मुझसे कहा कि बॉयल्ड एग दे दो एक। अब मैं बना रही हूँ ओटमील, क्योंकि तहा सेट के बहुत ज़्यादा कम डालना शुरू हो, क्योंकि शुरुआत है, इतना ज़्यादा नहीं खा सकता, तो ये मैंने थोड़ा सा डाल लिया है। ये नेस्वीटा वाला दूध डाल रही हूँ, इसमें बहुत कम बनाना है, इसलिए बस इतना काफ़ी है। अब हम चलाएंगे चूल्हा, अब हम इसको चूल्हे पर रखते हैं। बाकी ये एग हमारा जो है बॉईल हो रहा है, और ये ओटमील बन रहा है थोड़ा सा, और ये जो ओटमील है इसको हम कैप लगाते हैं। बाकी मैंने ट्रे में सब सेट करके रख दिया है, और ये ब्राउन शुगर और हनी तहा जो है वो खुद डालेंगे। एग में जस्ट बॉईल करके रख दूँगी, क्योंकि कह रहे थे कि एग योग नहीं, सिर्फ वाइट एग और ये वाली दाल, वाइट वाली दाल खाएंगे बाद में। तहा का ओटमील रेडी हो चुका है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तहा को देते हैं। बाकी काम वगैरह निपटाने हैं, वो थोड़े से निपटाते हैं। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए, और मैं जो है वो स्टरलाइज़र जो है अम्मा के घर से लाना भूल गई थी, इसे रख दी बॉयल होने के लिए, तो लेट देम बॉयल। सोचा मैंने कि थोड़े बहुत कपड़े वगैरह धो लूँ, इतने सारे कपड़े रखे हैं तहा की ट्रेनिंग के और शाहजहान और शावीर के कपड़े। ये सारे कपड़े शावीर के, तहा के, ये मैंने पानी भर लिया है। अब जो है वो हम सर्फ डालेंगे, एरियल डालेंगे इसमें काफ़ी, वरना बदबू आ जाती है कपड़ों में अगर हम कम डालेंगे। तो कपड़े डालेंगे, इस टाइप की वॉशिंग मशीन बिल्कुल ठीक रहती हैं छोटी बच्चों की, इसलिए क्योंकि जो कपड़े धुल रहे होते हैं आपके अलग से, उस पर स्टेन वगैरह आ जाते हैं, तो अगर आप लोगों को धोना हो नए नए कपड़े तो आप इसमें धो सकते हैं, तो स्टेन वगैरह नहीं आएंगे और खुशबू भी आती है। वरना तो सर्फ इतना कम यूज़ करते हैं कि सही से धुलते नहीं हैं, और ऊपर से जो है स्मेल भी आ रही होती है। तो इसमें सही रहता है कि आप अपने पास ऐसी वॉशिंग मशीन रख लें और जो है वो धोते रहें। यहाँ पर सारा सिस्टम लगा हुआ है, और अब मैं जो है वो इसको खोल के इसको यूँ करती हूँ, ये देखें साफ सुथरे धुलेंगे कपड़े और अच्छे धुलेंगे। और इतनी क्यूट वॉशिंग मशीन है ये, छोटी सी, ये देखें बहुत क्यूट है। ये कहा के पहनेंगे कपड़े हैं, और आप शाहजहान की हरकतें देख रहे हैं, यहाँ बॉल भी पड़ी हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बच्चों के ही कपड़े धोएं, आप अपने जो है नए नए कपड़े, या आप नहीं चाहते कि आप धुलवाएं कहीं और से ताकि स्टेन वगैरह आ जाएं या खुशबू नहीं आती, तो आप इसमें धो सकते हैं अपना एक आध सूट भी। इसमें आप ड्राई कर सकते हैं कपड़े धोने के बाद। जब तक कि हमारे कपड़े जो है वो 15 मिनट के लिए मैंने लगाए हुए, टाइमर सेट करा हुआ है, जब तक धुल रहे हैं, जब तक हम लोग चाय इन्जॉय करते हैं। काफ़ी गर्म हो रही है,
आज जो है मैं बहुत बिजी रही, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि मैंने सोचा कि हर चीज़ जो है वो जगह पे रख दूँ हर चीज़, क्योंकि फिर जगह नहीं मिल रही होती है, आप ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें इधर उधर रखी हुई होती हैं। जितनी भी आप जगह बना लें जगह कम ही पड़ती है, क्योंकि माशाल्लाह दो दो बच्चे हैं, हर चीज़ जो है वो जगह पे रखना ज़रूरी होती है ताकि आपको वक्त पे मिल जाए। तो मैंने सारी ड्रॉअर वगैरह भी साफ़ कर ली थी और जो है वो सारे काम अपने निपटा लिए। अब मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ। राउंड पे जाना कैंसिल हो चुका है इसलिए, क्योंकि शाहजहन सो रहा है और शाबीर भी सो के अभी उठा है, लेकिन हमारा कैंसिल हो चुका है क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं तो बड़ी सुस्ती हो रही है इस वक्त। और सुबह से मैं काम कर रही हूँ तो मैं इतना थक चुकी हूँ, क्योंकि मैंने तीनों अलमारियाँ आज ही सही कर ली। मैं जैसे ही व्लॉग बनाने लगती हूँ शाबीर की आवाज़ फ़ौरन आने लगी, अभी सो रहा था। जैसे ही मैं कैमरा पकड़ती हूँ शाबीर ज़रूर रोता है। अब तो आगे ट्रेनिंग के कपड़े धो रही हूँ और ये मैंने सब सुखा के रख दिए हैं, फिर इनको जो है वो सुखाने के लिए भेजते हैं ऊपर ताकि ये सही से सूख जाए। आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।